हे गाइस, वेलकम बैक इन दृष्टि क्लासेस। मैं नीरू मैम। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको हनी ड्यू बुक चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इसका सेकंड पैरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट पैरा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे देख सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो ऑथर है उसको एक राउंड टेबल चाहिए थी, जिसके लिए वो एक चंक शॉप पर गया और उसे वहाँ पर एक टेबल मिली। और उस टेबल को जब उसने उसको रिपेयर कर रहा था, तो उसे वहाँ पर एक टिन बॉक्स मिला। उस टिन बॉक्स के अंदर से एक एनवेलप मिला और उस एनवेलप में एक लेटर था। जो लेटर था मिसेस जिम मैकपर्सन को, मिस्टर जिम मैकपर्सन थे, उन्होंने भेजा हुआ था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। डियरेस्ट कोनी, यानी उन्होंने संबोधित किया था कोनी को, मिसेस जिम को, मिसेस मैकपर्सन को। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी वो बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो इतना खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही आश्चर्यजनक है, ऐसा हुआ जो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, और इतना अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल एक ही बार में तुम्हें पूरा बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, यानी क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपनी ट्रेंचेस मींस फ्रेंड्स, एक प्लेस होता है जब वॉर होता है, तो पहले एक गड्ढे टाइप के बना दिए जाते हैं, उनको लाइन से जहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो हम सभी अपने ट्रेंचेस पे खड़े हुए थे क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कल क्रिसमस मॉर्निंग में। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट, एकदम बहुत ज़बरदस्त सर्दी थी और एकदम शांति का माहौल था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी जो सुबह थी वो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लग रही थी जैसे मैंने इससे पहले कभी देखी ही नहीं। एज कोल्ड एंड, मतलब इतनी सर्दी और बहुत मतलब बर्फ़ पड़ रही थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह में होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी वर बिगिन इट विद, आई शुड लाइक टू बिगिन इट बट द टोट आई एम एस एम टू से इट्स दैट फ्रिज द बिगिन इट, मतलब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसको तुम बहुत पसंद करोगी। और मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत मैं करूँ, लेकिन इसकी शुरुआत फ्रिट्ज यानी जो जर्मन सोल्जर्स थी उन्होंने की थी। आई असेम्ड टू से इट्स दैट फ्रिज बिगिन इट फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, यानी उसने दूसरे यानी अगेंस्ट जो अपोजिट जो पार्टी थी या जो विरोधी थे, शत्रु थे, उनकी तरफ से एक वाइट कलर का फ्लैग हिलते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग अस आउट टू अस फ्रॉम एक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड एक जगह होती है फ्रेंड, जहाँ पर ना तो अपोजिट कंट्री के लोग जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं, नहीं वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, एक जगह होती है, वहाँ पर वो हमें बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी को वो टॉमी मींस वो इन लोगों से बोल रहे थे हम सबसे कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो मतलब हमारे अपोजिट हैं, शत्रु हैं, इनसे हमारा युद्ध चल रहा है और फिर भी हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम में से कुछ ने वापस आवाज दी, सेम टू यू फ्रेंड्स, यानी जर्मन सोल्जर, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से ही उनमें से कुछ लोग ग्रे कोट, एक जो जर्मन्स की जो ड्रेस होती है सोल्जर्स की, वो ड्रेस थी, उस ड्रेस में एक पर्सन वहाँ से वाइट फ्लैग हिलाता हुआ आगे बढ़ा। डोंट सूट लैड्स मीन्स बॉयज़ गाइज, तो उसने कहा कि सूट मत करना। सम वन शाउटेड, में से एक चिल्लाया कि डोंट सूट गाइज, सूट मत करना बॉयज़, लड़कों सूट मत करना। एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने भी फिर ऐसा नहीं किया। Then there was another फ्रिज up on the parapet. Parapet means होता है जो trenches होती है, तो trenches गहराई से होती है, उसके ऊपर जो पट्टियाँ होती हैं उस पर खड़े होकर उनमें से एक और अलग से soldier and another उसने keep your hands down. I told the man it's a trick.
उसने, मैंने भी अपने फिर सोल्जर्स से कहा कि अपने हैंड्स डाउन कर, ये कोई ट्रिक है इनेमीज की, कोई ट्रिक है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन सोल्जर्स में से एक अपने सिर पर एक बॉटल को मूव कर रहा था, हिला रहा था। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वो कहता है कि यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स मतलब एक ड्रिंक होती है जर्मन्स की, तो वो बोलते हैं कि हम लोग स्नैप्स कर, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, और सॉसेज भी यानी पार्टी के आइटम है, हम लोग पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और थोड़ी ही समय में वो सभी नो मैन्स लैंड की तरफ चलते हुए आ रहे थे, दर्जनों यानी बहुत सारे लोग सभी आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उनमें से कोई भी राइफल नहीं लिए था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, हम में से कुछ प्राइवेट मॉरिस मतलब मॉरिस था वो सबसे पहले खड़ा हुआ, कम ऑन गाइस, और उसने कहा कि चलो चलते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनमें से कोई नहीं रुका, हम में से हम लोग भी जाने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, तो मुझे उन्हें वहाँ पर रोकना चाहिए था, आई सपोज, मैंने ऐसा सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सका। आई शुड ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी वो जो जर्मन्स थे और हम सभी एक दूसरे की तरफ चलते हुए जा रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी जो ग्रे कोट था जो जर्मन्स का और जो हमारा खाकी कोट था, वो सभी यानी बीच में ही जो नो मैन्स लैंड पर है मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था जो वहाँ पर मिला। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस मीटिंग का एक हिस्सा था, इस पार्टी का एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, यानी इस बार के बीच में ही, मध्य में ही हम लोगों ने शांति बनाए रखी, शांति का परिचय दिया। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो कॉनी से कहता है कि तुम इमेज भी नहीं कर सकती हो माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने एक फ्रिट्ज ऑफिसर जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी जो फीलिंग्स थी उसके बारे में आप कॉनी इमेज भी नहीं कर सकती हो कि मेरे मन में कितनी फीलिंग्स थी, कैसी फीलिंग्स थी। हु अप्रोचेस मी हैंड स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स बोल्ड, यानी उसने हमसे हैंड्स मिलाया और कहा कि हैंड्स बोल्ड, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, यानी मेरे हैंड्स को अच्छे से उसने हैंड शेक किया और मुझसे बोला कि मैं हैंड्स बोल्ड हूँ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड हैप्पी क्रिसमस, और मुझे उसने क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने भी फिर उससे हैंड शेक किया और मैंने उसको बोला कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, यानी आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं भी डॉरसेट से हूँ और मैं एक स्कूल टीचर था इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में। आह डॉरसेट, ही स्माइल, उसने कहा अरे डॉरसेट, और उसने स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, यानी हम लोगों ने पार्टी की और एक दूसरे से अपनी जो ईटेबल्स थी उनको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कॉनी, और वो बताता है कि कॉनी हमने आपस में बातें भी की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह ऑलरेडी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट आई टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, मतलब उसने ना ही वो कभी डॉरसेट आया ना ही इंग्लैंड आया, उसने सिर्फ स्टडी टाइम में उसने बुक्स में जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा स्कूल में उससे उसको इंग्लिश का ज्ञान था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ने से उसको इंग्लिश की नॉलेज थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट लेखक जो थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जी एंड ट्रॉय एंड डॉरसेट, यानी हम लोग कई सारी प्लेसेस के बारे में टॉकिंग की, जैसे कि बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जी एंड ट्रॉय और डॉरसेट, कई सारी प्लेसेस की जगह बारे में हम लोगों ने बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन,
उसकी एक वाइफ और एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, यानी 6 मंथ पहले ही हुआ था जब हम लोग मुलाकात कर रहे थे, उससे 6 मंथ पहले ही उसका बेटा पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पे झुंड पड़े हुए थे, कई सारे लोग खाकी में और ग्रे जो कोट था, जो जर्मन यूनिफॉर्म थी सोल्जर्स की, उसमें सभी जगह दिखाई दे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, यानी जो नो मैंस लैंड पे थे उसमें सभी जगह कोई स्मोकिंग कर रहा था, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग चल रही थी। हेंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। कॉनी, वो कॉनी को बताता है कि मैंने और जो फ्रिज था, फ्रिज ऑफिसर था, उसने वंडरफुल केक थी, बहुत ही डिलीशियस केक थी, उसको शेयर किया, क्रिसमस केक को शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने कहा कि जो मार्जिपन है वो बहुत ही टेस्टी है, जब मैं अभी तक मैंने ऐसी टेस्ट ऐसा कोई ऐसा मतलब टेस्ट नहीं देखा या टेस्ट नहीं लिया। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत हो गया। बी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे से हर बात पर सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, वहाँ पर कभी भी ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए थी कॉनी, लेकिन फिर भी हुई। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, देन संबंध से लेके आगे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। जय माता दी फ्रेंड्स।